गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है नवरात्रि का सेकंड डे। कल मैंने क्या किया, उपवास किया था तो फरियाल का बनाने का, और मैंने ना राइस कुकर निकाल के रखा था पैनासोनिक का बहुत टाइम से, तो उसको कल से यूज करना था क्योंकि पहले श्राद्ध के दिन चल रहे थे। तो मैंने सोचा नया चीज क्यों यूज करूं, नया तो नहीं था, यूज किया हुआ था पर फिर भी घर में नया, फर्स्ट टाइम यूज कर रही थी तो इसीलिए मैंने ना वो राइस कुकर निकाल के रेडी करके रखा था। और कल मैंने वो राइस कुकर में उपवास का, फरियाल का क्या क्या बनाया और मैंने क्या गड़बड़ की, वो चलिए आपको दिखा देती हूँ। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज है देवी का रेड कलर, तो आज मैंने रेड कलर पहन लिया। कल वाइट था और कल ना ब्लू कलर है। अगर आप लोग भी कलर फॉलो करते हो तो जरूर से फॉलो कीजिए। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला है कि देवी के कौन से 9 दिन के कलर है। ओके, तो चलिए पहले देख लेते हैं मैंने पैनासोनिक राइस कुकर के साथ क्या गड़बड़ घोटाला किया है, और उसके बाद चलते हैं पार्लर पे। और वो तो आप मुझे जानते ही हो। और सॉरी, मैंने बहुत दिनों से ना वीडियो नहीं बनाया था, ये सब अतिथि के गड़बड़ में। अतिथि ने बहुत सारे वीडियो बनाए थे पर वो मुझे दे ही नहीं रही थी कि मैं अपने चैनल पे डालूं, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आखिर में अभी एक और वीडियो बाकी है उसका, वो आ जाएगा। तो मैंने सोचा चलो इस बीच में मेरा एक वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि आप लोग तो मुझे भूल जाओगे, इतने दिन हो गए मैं आपसे कनेक्ट हूँ ही नहीं। तो वैसे शॉर्ट्स में डाल रही थी थोड़े थोड़े, तो बस चलिए मेरे किचन में और देख लीजिए। आज सोच रही हूँ राइस कुकर को यूज़ किया जाए। तो ये है पैनासोनिक का मेरा राइस कुकर, जो एक साल से मैंने यूज़ नहीं किया है। इसके ऊपर लीड मिली है इस तरह से, और इसके अंदर मिला है ये जाली, अगर कुछ अपने को स्टीम करना है। और उसके अंदर मिला है ये कंटेनर। तो अब मेरी मजा पड़ने वाली है, मैं इसमें दो दो चीज बना सकती हूँ। एक मेजरिंग कप मिला है और एक स्टेपला मिला है इस तरह से, और ये इस तरह से इस बर्तन में मेरा बनेगा खाना। तो यहाँ पे आप राइस बना सकते हैं और इसमें आप कुछ भी सब्जी रख के दोनों एक साथ हो जाएगा, है ना मजे। ये राइस कुकर जब अतिथि पुणे में थी, दो महीना रूरल इंटर्नशिप के लिए, तब पुणे में लेके गए थे। वहां पे हमने रेंट पे फ्लैट लिया था, जिसमें बाकी सब तो था, बेड वगैरह, पर गैस नहीं दिया था। तो ये राइस कुकर में लेके गई थी, और राइस कुकर में ही अतिथि चाय बना लेती थी और चिकन बन जाता था इसमें, और चावल बना लेती थी। तो चिकन और राइस इस तरह से दोनों मिला के वो बना लेती थी मस्त संडे को। बाकी के टाइम तो उसका टिफिन आता था, वन टाइम ब्रेकफास्ट में वो हॉस्पिटल चली जाती थी ब्रेकफास्ट लेके, तो वहीं पे वो ब्रेकफास्ट ही कर लेती थी। दोपहर को लंच में ब्रेकफास्ट ही कर लेती थी, और शाम को आके उसका टिफिन मिल जाता था उसको। तो चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि चालू हो भी रहा है कि नहीं। तो ऑन करते हैं इसको, और ओके, तो ये चालू हो रहा है। तो इसमें पहले मैं अभी बनाऊंगी कुछ भी, ट्राई कर लिया है तो चलिए अब इसमें रेडी करते हैं। जैसे आज है उपवास, तो मैं बनाऊंगी ये भगर, मतलब भगर आप लोग क्या बोलते हैं, वरी के तांदुल बोलते हैं हमारे यहाँ, उपवास के चावल रहते हैं, ये बनाऊंगी। और उसके साथ इस कंटेनर में बना लूंगी मैं सब्जी आलू की। तो इसको मैंने इस तरह से धो लिया है, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा डालडा घी, ये इसके टेस्ट को एनहांस करेगा। नमक डाल देंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे, हरी मिर्ची होगी तो वो डाल देंगे। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, इसमें मैंने डाला है घी और हरी मिर्ची। इसमें हरी मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही हरी मिर्ची डाल दी है, और कड़ी पत्ता डाला है, और मूंगफली डाली है, और नमक। इतना चीज में ये उपवास का मेरा भगर रेडी हो जाएगा।
ये मैं इसमें सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने घी डाला है, ये कंटेनर को खीस लिया है, मूंगफली डाली है, नमक डाला है, और मैंने थोड़ा सा टुकड़ा आलू ना ऐसे आखा भी रखा है, ये देखिए, ताकि मैं जान सकूँ कि आलू ऐसे भी चुड़ेंगे कि नहीं चुड़ेंगे। ये मैंने खीस के इसलिए लिया कि आलू नहीं चुड़ा तो वो तो नीचे कम हो रही हो तो फटक से हो जाएगा, पर ये नहीं चुड़ा तो इसलिए मैंने इस तरह से ये क्या, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के लिक्विड रस, दही भी डाल देती हूँ मैं इसमें। ओके ना, आप मोरियो में दही डालो या इसमें सब्जी में दही डालो, टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा। तो थोड़ा सा दही अब पानी से मिक्स कर लूंगी, मेरे पास ना ककड़ी भी पड़ा है तो मैं थोड़ा सा रायता भी बना लेती हूँ, क्योंकि सब कुछ तो रेडी है, हैंडी है हाथ में, ये जब तक बनेगा तब तक मैं इसमें रायता भी बना लूंगी अलग से। तो चलिए इसमें पानी मिलाते हैं। तो इस तरह से मैंने पानी मिक्स कर दिया है, अब मैं इसको राइस कुकर में रख देती हूँ। काश मेरे पास कोई वीडियो निकालने वाला होता, मैंने इसको रख दिया है इसमें, नीचे आपको बताया मोरियो है और ये सब्जी है, इसको अब ढक देते हैं। और कुकर का बटन ऑन कर देते हैं। तो मेरे राइस कुकर में कुकिंग प्रोसेस चालू हो जाएगी। ये मैंने ना ओवन के ऊपर रखा है, और इसीलिए मैंने इस तरह से, मेरे पास पुट्ठा था वो रख दिया है जुगाड़ू काम, इसके स्पैटुला से ही हमें उसको हिलाना पड़ेगा। चलिए तब तक मैं रायता बना लेती हूँ। देखिए मैंने अतिथि को किस तरह से दिया था, इस तरह से मैंने ना अतिथि को ये राइस कुकर ना रशिया लेके जाने के लिए दिया था, तो वहां पे ना ऐसा 3 पिन का प्लग नहीं रहता है, 3 पिन का प्लग नहीं रहता है, इसलिए ये 2 पिन वाला प्लग मैंने उसको एक्स्ट्रा दिया था कि आप वहां पे यूज करोगी तो ये 2 पिन वाला प्लग, में ये 2 पिन वाला प्लग वहां पे लगा दोगी और इसका 3 पिन वाला प्लग लग जाएगा इसमें। तो यूज तो किया नहीं उसने, रशिया में तो यूज नहीं किया, पर हाँ पुणे में बहुत बार यूज किया, और आज नवरात्रि के पहले दिन मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं इसमें फरियाल का खाना बना रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ आज। रायता बनाने के लिए सिर्फ दही निकाला और ककड़ी खीसी, उतनी देर में तो राइस कुकर का आवाज आने लगा। देखिए आप लोग को भी आ रहा है ना, मतलब तुरंत ही उसमें बॉईल हो रहा है, और मुझे इतना डर लग रहा था आज इसको चालू करने में। ओ ये बटन के यहाँ तो गंदा रह गया है, इसको साफ करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया था, फिर भी मैंने इसको बहुत साफ किया बाहर से, पर ये बटन नहीं साफ किया था। और है ना, हाँ आपको पुणे की बात बताती हूँ, पुणे इन द सेंस रूरल एरिया में था, पुणे से थोड़ा दूर था, तो रूरल एरिया में उसको मिली थी ये, तो इंटर्नशिप, तो अतिथि जब एक बार चिकन बन लेने गई ना शॉप में, तो बाजू में ग्रोसरी का दुकान था, तो इतने अच्छे भैया थे, बोलते मैडम, डॉक्टर मैडम आप कहाँ, गांव में ना डॉक्टर लोग को बहुत रिस्पेक्ट रहती है, तो डॉक्टर मैडम आप कहाँ बनाओगे, हम हमारे घर से आपको बना के ला के देते। अतिथि ने बोला नहीं प्लीज ऐसा मत कुछ करो, मैं बना लूंगी। तो फिर नहीं, आप तो हमारे गांव के लिए बस काम कीजिए, हम आपको खाना वाना सब पहुंचा देंगे, महाराष्ट्रियन में बोल रहे थे वो लोग, पर गांव के लोग ना बहुत भोले और बहुत सीधे होते हैं, एक एक बातें ना, छोटी छोटी बातें ना हमें कितनी याद रह जाती है, और बाद में जब हम सोचते हैं ना तो वो बातें कितनी याद आती है, कि अच्छे लोग अच्छे ही रहते हैं बुरे। तो बातें कर रहे तब तक मुझे लगता है मेरा ये होने को आया होगा, और अतिथि ने अकेले कैसे मैनेज किया होगा मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चालू में खोल के देखना चाहिए कि नहीं, हो रहा है हो रहा है, नीचे का जो उपास का चावल था वो तो चूड़ गया है, लेकिन ऊपर जो मैंने रखा था ना आलू का सब्जी वो नहीं चूड़ा है, पता नहीं मैंने तो डर के मारे पहले ही बंद कर दिया, कल फिर से मेरे सारे सपने चूर हो गए। मैं सोच रही थी इसमें दाल और चावल एक साथ बन जाएगा, पर मुझे नहीं लगता बनेगा। रोटी टोला मैंने कुकर में, वो सब्जी इसमें से निकाल के कुकर में लगा दी है, गावठी टोला अपना चालू कर दिया है। राइस कुकर है तो सिर्फ राइस ही बनेगा। एक्सपेरिमेंट मेरा फेल हुआ है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानने वाली हूँ,
कल और नया एक्सपेरिमेंट करूंगी। देखिए 2 मिनट में तो कुकर की सीटी भी आने लगी। देसी जुगाड़ अच्छा है। तो आ गए आप लोग और मैं आपको यहीं मिली हूँ क्योंकि मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। इसके बाद तो शायद अदिति का पार्टी वाला वीडियो आएगा, तो वो देख लेना। और मेरे चैनल के साथ बने रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। ओके बाय बाय।